नमस्कार, मैं हूं माधुरी और आपका एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, वी ऑल नो कि साइंस आज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखता है और इसी वर्चस्व के साथ साइंस मेडिकल फील्ड यानी चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति के पथ पर है और इसी प्रगति के साथ उदयपुर में स्थित मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल भी निरंतर उन्नति के पथ पर है। दोस्तों, आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल मेवाड़ की कर्म भूमि से प्रगति करते हुए गुजरात के मोड़ासा, राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा और मध्य प्रदेश के नीमच के हर वर्ग को ऑर्थोपेडिक सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र हॉस्पिटल है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ACL के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि ACL होता क्या है। ACL का मतलब होता है इंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट, यानी घुटने में मौजूद वह लिगामेंट जो घुटने की धुरी का काम करता है। इसकी जरूरत घुटने के मुड़े हुए स्थिति में शरीर के भार को बैलेंस करने के काम आती है। ऑर्थोस्कोपिक या दूरबीन द्वारा घुटने के लिगामेंट का ऑपरेशन होता है उदयपुर स्थित मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में। अब हम आपको बताएंगे कि ACL होता किस स्थिति में है। ACL की चोट एक्सीडेंट होने, अचानक पैर के लचकने या सीढ़ियों से फिसलने के कारण हो सकती है। ACL की चोट के दौरान जब आप हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाते हैं तो एक्सरे में किसी भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं आता, क्योंकि ACL के प्रमुख लक्षण होते हैं जैसे घुटने पर सूजन आना, पैर में काफ़ी दिनों तक दर्द रहना या घुटने के द्वारा शरीर के भार को बैलेंस न कर पाना। लेकिन आमतौर पर लोगों में जानकारी का अभाव होता है और इसी अभाव के कारण लोग उस पैर पर वजन देना बंद कर देते हैं या उस पैर पर कोई सपोर्ट बांध देते हैं या फिर सोचते हैं कि समय के साथ पैर का दर्द और पैर ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ACL के चोट के कारण मरीज लंबे समय तक सही नहीं चल पाना, पैर में काफ़ी दर्द का रहना और घुटने के द्वारा शरीर के भार को बैलेंस न कर पाना, ऐसे दिक्कतों का सामना करता है। और जब वह ऐसे दिक्कतों के साथ हॉस्पिटल जाता है तो वहां उसकी MRI होती है और MRI में पुष्टि होती है कि उसे लिगामेंट इंजरी हुई है। लेकिन दूरबीन द्वारा शरीर में पुनः ACL का निर्माण एक अच्छे हॉस्पिटल और एक अनुभवी डॉक्टर के हाथों से हुए सही ऑपरेशन द्वारा ही संभव है, जिसके बाद मरीज आसानी से अपना काम शुरू कर सकता है। दोस्तों, अभी आपने जाना ACL के बारे में। अब हम आपको मिलवाएंगे उन पेशेंट से जिन्होंने ACL का इलाज मेवाड़ ऑर्थोपेडिक में आकर करवाया और अब वो पहले और अब की जिंदगी में क्या अंतर महसूस करते हैं। मेरा नाम भरत पुरोहित है, मैं छोटा देवड़ा सागवाड़ा से हूँ। मेरे को विगत 10 साल से पैर में दर्द था और जब दर्द होता मैं टेबलेट लेता और रिलीफ मिलती, इसके बाद मेरे को ज़्यादा पैर पकड़ा गया एकदम जॉइंट में से। फिर मैंने 7 तारीख को यहाँ उदयपुर बताने के लिए आया। डॉक्टर साहब ने कहा कि पैर के अंदर आपकी जो जॉइंट के अंदर गोदड़ी होती है वो खिसक गई है तो उसको सेट करनी पड़ेगी। फिर इन्होंने मेरा दूरबीन द्वारा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करके दूसरे दिन मेरे को छुट्टी की। 8-10 दिन में मैं बिल्कुल व्यवस्थित होने, मेरे को अच्छा महसूस होने लगा। फिर मैं वापस 24 तारीख को यहाँ आकर के टाँके खुलवाए। टाँके खुलवाने के बाद मुझे अच्छा चलना व्यवस्थित हो गया। आइए अब हम मिलते हैं डॉक्टर मनीष छापरवाल से और जानते हैं कि ACL का सही इलाज क्या है। हेलो सर,
सिलसिले में आप ये बताइए कि मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ACL का सही और संपूर्ण इलाज कैसे संभव है। एंटीरियर क्रूशेट लिगामेंट घुटने के बीच में मौजूद एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है। ऑपरेशन के दौरान छोटे से छेद बनाकर दूरबीन द्वारा इस लिगामेंट को पुनर्निर्माण कर दिया जाता है। ऑपरेशन में 30 से 40 मिनट का समय लगता है और कोई रक्तस्राव नहीं होता। जनरली दूसरे दिन ही मरीज की छुट्टी कर दी जाती है और 7वें-8वें दिन तक मरीज अपने सारे नॉर्मल कार्यक्रम कर सकता है। पूर्व में यह ऑपरेशन केवल महानगरों में ही उपलब्ध था। विगत कुछ वर्षों से मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हम लोग ACL का ऑपरेशन कर रहे हैं। दूरबीन द्वारा इस ऑपरेशन में बहुत अच्छे नतीजे अभी तक हमें मिले हैं और काफ़ी संतुष्ट पेशेंट्स हमारे पास हैं। घुटने में ACL का ऑपरेशन सही समय पर और अनुभवी हाथों में किया जाए तो बहुत अच्छा आउटकम दे सकता है। जैसा कि डॉक्टर मनीष छापरवाल ने बताया कि ACL का संपूर्ण और सही इलाज कैसे मेवाड़ ऑर्थोपेडिक में संभव है, इसीलिए कहा जाता है कि मुश्किल समय में सही फैसला मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल। मेवाड़ ऑर्थोपेडिक ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल उदयपुर, भिलवाड़ा, मुड़ासा और नीमच।